अजा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पद्म पुराण में वर्णित अजा एकादशी की कथा के अनुसार इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अजा एकादशी का व्रत रखने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जय श्री राधे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित होकर सुनो, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्यप्रिय थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर स्वयं को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा एकादशी नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। तुम इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के सातवें दिन एकादशी है, उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का, स्त्रीधन और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिवारों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी अजा एकादशी की कथा। आज अजा एकादशी है। आप सभी लोग ये कथा सुने, अपने परिवार के साथ शेयर करें और आगे ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।